बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है वर्ल्ड कप में। इंडियन बॉलर्स जो है ना, उनको आईसीसी और बीसीसीआई अलग बॉल देता है, अलग गेंद देता है, पता नहीं एसजी की बॉल देता है या ऐसी बॉल देता है जो स्विंग और सीम को हेल्प करती है, जिससे इंडियन बॉलर्स जो है ना सेकेंड इनिंग्स में बहुत आउट करने लग जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर है हसन रजा, आपको याद होगा यंगेस्ट क्रिकेटर बने थे दुनिया के 14 साल में, डेब्यू करके थे पाकिस्तान से। उन्होंने रात को इंटरव्यू दिया और मेरी आंखें खुली रह गई हैं। उन्होंने कहा है कि इंडियन जो बॉलर्स है ना, उनको आईसीसी और बीसीसीआई जो है ना, वो बॉल ही नहीं दे देता जो डी शेप्ड होती है या यूज होती है, या शायद एसजी की बॉल होती है, कुकुबुरा ड्यूक्स नहीं होती, अलग बॉल होती है कोई, और उससे वो आउट करने लग जाते हैं। मतलब सिराज और शामी जैसे बॉलर्स भी एलन डोनाल्ड, जॉन पोलक, मकाई एंटनी लगने लग जाते हैं, ये हसन रजा का कहना है। उन्होंने कहा है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इंडियन बॉलर्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि दुनिया के हर बॉलर इसी पिच पे बॉल करता है तो वो ऑर्डिनरी लग रहा होता है। मतलब जब बैट्समैन बैटिंग करते हैं इंडिया के तो 350 करते हैं और 55 पे वो बॉल आउट कर देते हैं ऑपोजिशन को, तो क्या इतना डिफरेंस आ जाता है कि मतलब जो इंडिया 50 ओवर खेलता है उसमें 350 होगा और जब बॉलिंग इंडिया करता है तो 55 ऑल आउट। ये वजह क्या कि इंडिया 7 के 7 मैचेस जीत गया? तो उन्होंने कहा इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जरा पता करें कॉन्स्पिरेसी क्या बना रहा है बीसीसीआई, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो है नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो ये उनका कहना है कि इसको पता लगाते हैं कि क्या वजह है, वो बहुत ज्यादा जो है ना कह रहे हैं कि इसमें कोई कोई समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला जरूर है। उन्होंने ये भी कहा कि जो डीआरएस डिसीजन होते हैं ना, मैंने कल आपको कहा था कि डीआरएस इज डाउटफुल रिव्यू सिस्टम, डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सारे डिसीजंस इंडिया के फेवर में जाते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते हैं। जैसे हारिस राउफ को नॉट आउट, वो उसकी बॉलिंग पे नॉट आउट दे दिया था साउथ अफ्रीका के टेल एंडर्स का, और पाकिस्तान मैच जो है वो हार गया था साउथ अफ्रीका से। तो इसी तरह जो है बुमराह की दफा वो उंगली उठा रहे थे। तो यही वो कह रहे हैं कि सिराज, शामी, बुमराह ये कैसे वर्ल्ड क्लास बने हुए हैं, इनके साथ क्या वर्ल्ड कप में ऐसा हो रहा है जो ये बॉलर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बाकी बॉलर ऑर्डिनरी है। अब ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, इतना बड़ा क्रिकेटर इस तरह की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ दाल में काला है तो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन, क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी दोनों एक ही हैं, मतलब वो तो हैंड इन ग्लव वाली बात ना, सारे कुछ जो है उसी तरह है। तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, कौन पता लगाएगा इस चीज पे कि इंडियन बॉलर्स आउट परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? इसका तो आप वर्ल्ड कप उनको दे दें, अगर तो इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन भी इंडियंस ने ही करनी है, क्योंकि मैच रेफरी भी आपका, थर्ड अंपायर भी आपका, फोर्थ अंपायर भी आपका, ऑन फील्ड अंपायर भी आपके, सारा कुछ आपका है, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी ट्रांसपेरेंट? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और हसन रजा ने यह कहा है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों शेयर करो यार वीडियो को, पता चलाओ कि इंडियन बॉलर्स को अलग ही बॉल मिलती है, कोई बॉल चेंज कर दी जाती है उनके लिए, जिससे वो आउट करते हैं, जिससे वो स्विंग कर रहे हैं, सीम कर रहे हैं, रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, और ऑपोजिशन जो है उनका मुंह देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एंजेलो मैथ्यूज बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में हैरान हो रहे थे कि ये एकदम से किस तरह की बॉलिंग हो रही है, ये ऐसे ऐसे बॉल बनाना की तरह घूम रही है, मतलब वो अंदर करा रहा है ऐसे अंदर आ रही है, समझ से बाहर है ना चीजें, क्योंकि हैरान होगा कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर जिसने क्रिकेट खेली हुई है कि फर्स्ट इनिंग्स में जो है कंप्लीटली बैटिंग ट्रैक होता है और सेकंड इनिंग्स में जो है वो एकदम से बॉलिंग पिच हो जाती है। अब पता नहीं वो पिच चेंज करते हैं नहीं करते, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मुश्किल है करना, टीवी पर सारे देख रहे हैं लेकिन बॉल तो कभी जूम करके दिखाई नहीं जाती, और आम लोगों को क्या पता यार कि बॉल चेंज होती है या नहीं, या इसमें पता नहीं अब कौन मिला हुआ कौन नहीं मिला हुआ। तो कमेंट करके बताएं, क्या इंडियंस जो है वो वाकई केपेबल बॉलर्स हैं, क्या वो वर्ल्ड क्लास हैं, या उनको बॉल चेंज करके दी जाती है असल में, ये आप लोग बताएं। आप लोग बताएं कि ये किस तरह पता चलेगा कि इंडियंस इतने आउट क्यों कर रहे हैं, ये शामी है और ये सारे जो इतने वर्ल्ड क्लास कैसे बन गए एकदम से, और पहले तो इस तरह के नहीं थे, इंडिया में तो फास्ट बॉलर्स आते ही नहीं है, एकदम से कैसे आना शुरू हो गया और क्या डिफरेंट कर रहे हैं इंडिया, आप लोग बताएं कमेंट करके।